अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ईद के मौके पे बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है शीर कोरमा, जिसके लिए मैंने हाफ कप बादाम ले लिया है और इसे रात भर में पानी में भिगो के छोड़ दूंगी, और आधा कप पिस्ता भी ले लिया, इसे भी रात भर पानी में भिगो के छोड़ देंगे। फिर इस तरीके से हम अपने बादाम का स्किन निकाल देंगे। ये देखिए, स्किन निकलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। हमने अपने सारे बादाम के स्किन निकाल के रख लिए हैं एक साइड में, और इसी तरीके से हम पिस्ते का भी स्किन निकाल देंगे। और हमने पिस्ते के भी सारे स्किन निकाल के ऐसे साइड में रख लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फटाफट से एक स्लाइसर लेना है और अपने छिले हुए बादाम को इसमें काट लेना है। हमने सारे बादाम काट लिए हैं और इसे अब हम रात भर रख देंगे सूखने के लिए, और इसी तरीके से हम पिस्ता को भी अपने स्लाइस कर लेंगे फटाफट। ये देखिए, पिस्ता भी हमने काट लिया है और इसे भी रात भर रख देंगे सूखने के लिए। अभी हमने एक पैन लिया है, उसमें 1/3 कप देसी घी लिया है, और अपने सूखे हुए बादाम को इसमें हम फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के लिए देसी घी बहुत ही ज़रूरी है, उससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आता है शीर कोरमा का। ये देखिए, हमारा बादाम फ्राई हो चुका है लाइट ब्राउन कलर का। अब इसे हम निकाल लेंगे। उसी घी में हम अपना पिस्ते को फ्राई करेंगे, मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस 1 से 2 मिनट के आसपास। 2 मिनट हो गया है, अभी हम अपने पिस्ता को भी निकाल लेंगे। हमने थोड़ा सा काजू ले लिया है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब इसे भी हम मीडियम हीट पे रोस्ट करेंगे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए, लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने थोड़ी सी चिरौंजी ली है, इसको भी मीडियम हीट पे हम फ्राई करेंगे 2 मिनट के आसपास, बस इसका जो कच्चापन है वो खत्म करना है। 2 मिनट हो गए हैं, हमारी चिरौंजी हो गई है, अभी हम इसे भी निकाल लेंगे। उसी घी में हम अपनी सेवई को भी रोस्ट करेंगे मीडियम हीट पे करीब 5 मिनट के आसपास। देखिए, सेवई हमारी ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुकी है, कितना प्यारा कलर आया है। अपने एक भगोना लिया है, उसमें हमने फुल क्रीम दूध लिया है 1.5 लीटर। एक उबाल आने तक इसको हम गर्म करेंगे। देखिए, दूध में हमारे उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और धीमी आंच पे इसको हम पकाएंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से जले नहीं। ये देखिए, दूध हमारा, मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था, 1/2 लीटर के आसपास हमने दूध को जला दिया है। अभी इसमें हम 1 कप शक्कर डालेंगे और तेल आंच पर इसको हम चलाएंगे। शक्कर हमारी मेल्ट हो गई है, अभी गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। मैंने इसमें थोड़ी ही सेवई का इस्तेमाल किया है, मैंने वहां ज्यादा सेवई रोस्ट किया था, वो मैंने रख दिया है। अब तेज आंच पे 1 उबाल आने तक इसको हम चलाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। देखिए, इसमें 1 उबाल आ गया है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, हमने सारे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल लें और थोड़ा ड्राई फ्रूट हम बाद में डालेंगे इसमें ऊपर से। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के आसपास। एक मिनट हो गया है, इसमें अभी हम 4 से 5 बूंद रोज एसेंस डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। गैस हमने बंद कर दिया है। शीर कोरमा हमारा तैयार है। इस ईद आप ये शीर कोरमा जरूर ट्राई करिएगा।
देखिए कितनी क्रीमी बनी है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद के इस मुकद्दस मौके पर मैं आप सभी के लिए एक बड़ी ही बेहतरीन उम्दा किस्म की रेसिपी लाई हूँ, तो जो दिखने में लाजवाब है और खाने में लजीज है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और 1/3 कप देसी घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ा सा पिस्ता, ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं और क्वांटिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा सा किशमिश लिया है। धीमी आंच पे इसको हम करीब 1 मिनट के आसपास भूनेंगे। जब किशमिश ऐसे फूल जाए ना, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा ड्राई फ्रूट हो गया है। इसे अभी हम निकाल लेंगे। उसी पैन में और बचे हुए घी में हम अपनी सेवई को भूनेंगे। सेवई हमने 1/4 किलो के आसपास लिया है, धीमी आंच पे इसको हम भूनेंगे। ये देखिए हमारी सेवई का कलर कितना प्यारा आया है। हमने पैन में 1 कप दूध लिया है और 1 कप शक्कर लिया है। तेज आंच पे इसे हम उबालेंगे। ये देखिए दूध में हमारे उबाल आ गया है और शक्कर भी हमारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम अपनी भुनी हुई सेवई डालेंगे और धीमी आंच पे इसको हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए सेवई ने हमारे दूध को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और इसे 2 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे रख देंगे। 2 मिनट हो गया, ये देखिए हमारी सेवई। हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, तेजी के साथ रफली नहीं मिक्स करेंगे, वरना सेवई सारी हमारी टूट जाएगी और किमामी सेवई के बजाय सेवई खीर बन जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा मावा या खोवा डालेंगे 100 ग्राम के आसपास, और थोड़े से अपनी भुनी हुई ड्राई फ्रूट, और हम ड्राई फ्रूट थोड़ी बचा भी लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। खोवा और ड्राई फ्रूट हमारा सेवई में अच्छे से हर जगह मिक्स हो चुका है, थोड़ा इसको हम फैला देंगे और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी सेवई कितनी रूखी बनी है, कहीं भी गीलापन नहीं है, चिपचिपापन नहीं है। आप इसे ईद में बनाएं या जब भी मीठा खाने का मन करे तब आप ये बनाएं। देखिए हमारी सेवई कितनी खिली खिली सी बनी है, एक दूसरे से चिपकी नहीं है, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। ईद के इस प्यारे मौके पे अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियां अता फरमाए और आपकी इबादत कबूल फरमाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक मजेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। क्यों, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। ये हेल्दी भी है और चटपटी भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप सफेद मटर ले लिया है, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रख लिया था। 4 कप पानी लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत से लोग इसमें हल्दी डालते हैं, हल्दी डालने से इसका टेस्ट खराब हो जाता है, माहिम के रगड़े में हल्दी नहीं पड़ती है। नमक हमारा मिल गया है, अभी हम अपने कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 5 से 6 सीटी होने तक मीडियम हीट पे पकाएंगे। अभी हम अपना ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए हमारी मटर अच्छे से उबल गई है। हमें एकदम ऐसी ही मटर चाहिए, ना बहुत पतली और ना बहुत ही गाढ़ी। अभी हम कोकम का पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1/3 कप कोकम ले लिया है, 1/2 कप पानी ले लिया है,
इसका अब हम एक थिक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, देखिए इसका पेस्ट ऐसा होना चाहिए, थोड़ा थिक। अभी हम इमली का पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1/3 कप इमली ले लिया है, 1/2 कप पानी लिया है, इसका भी हम एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, ये देखिए इमली का पेस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा थिक, ठीक है। मैंने एक उबली आलू ले ली है, जिसे 2-4 टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है, 2 चम्मच मटर लेंगे उबली हुई, 1/2 प्याज, 1/2 टमाटर, 2 से 4 बूंद नींबू का रस, क्रश की हुई हरी मिर्च, क्रश किया हुआ धनिया, मैंने धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्रश किया हुई धनिया का इस्तेमाल किया है, क्रश किया हुआ लाल मिर्च जिसे मैंने 2-4 लेके घर में मिक्सर में क्रश कर लिया है, पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, 2 चुटकी नमक, काला नमक, 2 चुटकी भुना हुआ जीरा, मैंने इसमें सब घर के फ्रेश मसालों का इस्तेमाल किया है, क्रश किए हुए पाउडर मसाले का नहीं, उससे क्या है टेस्ट अच्छा नहीं आता, 2 चम्मच इमली का पेस्ट, थोड़ी सी हरी धनिया, एक चम्मच कोकम का पेस्ट, फ्राइड ऑनियन, थोड़ा सा पुदीना। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रगड़े में मैंने सिर्फ कश मसाले का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे ही इस रगड़े का जायका आता है। माहिम का रगड़ा देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। आप जब कभी भी मुंबई आए तो माहिम का रगड़ा जरूर खाएं। ये देखने में लग रहा है ना मजेदार, रगड़ा खाएं, झगड़ा ना करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।